कार्तिक ने बताया अपने करियर से जुड़ा राज, बोले स्टूडियो के बाहर से ही कर देते थे रिजेक्ट। ओ बॉलीवुड, बॉलीवुड में इन दिनों रीमेक फिल्मों का दौर चल रहा है। अब तक कई फिल्मों के रीमेक बन चुके हैं और आज बात यह है कि इनमें से कई हिट भी रहे हैं। अब जल्द ही कल्ट क्लासिक फिल्म पति पत्नी और वो पति पत्नी और वह का रीमेक सामने आ रहा है। इस फिल्म में उनके अपोजिट भूमि पेडनेकर, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे नजर आने वाली हैं। हाल ही में कार्तिक आर्यन ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने बारे में कई खुलासे किए। कार्तिक आर्यन ने बताया कि उन्हें स्टूडियो के बाहर से ही बिना ऑडिशन दिए भेज दिया जाता था। कार्तिक आर्यन ने अपने संघर्ष के दिनों का जिक्र करते हुए बताया, मेरा जन्म ग्वालियर के छोटे से शहर में हुआ था। माता पिता मेडिकल फील्ड में थे और मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा था, लेकिन 9वीं कक्षा में मैंने बाजीगर देखी और मैं जानता था कि मैं स्क्रीन के दूसरी तरफ रहना चाहता हूँ। मुझे अपने माता पिता के रिएक्शन के बारे में नहीं मालूम था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं 12वीं तक ग्वालियर में पढ़ूंगा और कॉलेज के लिए मुंबई जाऊंगा। किस्मत से मुझे 9वीं मुंबई में कॉलेज मिल गया और मैंने वहाँ हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। मेरे पास एक्टिंग लाइन से जुड़े कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, इसलिए मैं फेसबुक पर एक्टर नीडेड कीवर्ड का टाइप करता था। कार्तिक आर्यन ने अपने सफर के बारे में आगे बताया, मैं ऑडिशन के लिए हफ्ते में 3-4 दिन करीब 6 घंटे के लिए सफर करता था। उस समय मैं स्टूडियो के बाहर से ही रिजेक्ट हो जाता था क्योंकि मैं उस हिस्से का नहीं दिखता था। इसके बाद भी मुझे आशा थी, जल्द ही मुझे कुछ सेकंड्स के एड मिलने लगे। उस मौके पर मैंने 12 लोगों के साथ अंधेरी में फ्लैट लिया। मेरे पास सीमित पैसे होते थे, इनसे मैं अपना फोटोशूट भी नहीं करवा सकता था, इसलिए मैं एजेंट को ग्रुप तस्वीर में से अपनी तस्वीर क्रॉप करके भेजता था। कई बार मैंने इन ऑडिशंस के लिए अपना कॉलेज भी बंक किया और मेरे माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक बार मैंने फिल्म ऑडिशन का विज्ञापन देखा और वहां जाने के बारे में सोचा। आगे कार्तिक आर्यन ने फिल्मी करियर के बारे में बताया, ऑडिशन में मैं उन्हें पसंद आया और उन्होंने कई बार मेरा ऑडिशन लिया। जब मुझे रोल मिला तो मैंने अपनी माँ के पास कॉल की, उन्हें इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। करीब 2.5 सालों के संघर्ष के बाद मुझे अपना सपना सच होता दिखा। प्यार का पंचनामा, पैर का पंख नमक के बाद मेरे पास ज्यादा उपलब्धियाँ नहीं थी। मेरी मम्मी अड़ी थी कि मैं अपनी डिग्री पूरी कर लूं। मैंने एग्जाम दिए और हॉल में बैठे लोग मेरी तस्वीर खींचने लगे। सोनू के टीटू की स्वीटी के बाद यह सब बदल गया। जब मैं ग्वालियर गया तो मुझे मेरे स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया और बच्चे मेरा नाम ले रहे थे। लेकिन आज जो मेरे पास है वह कभी नहीं होता अगर मैंने विश्वास न किया होता। मुझे गर्व है कि मैं इस समय कहाँ हूँ।